संधु जी, संधु जी इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही इतना रात को? संधु जी वो मैं अपना बैग भूल गई थी ना, तो वो लेने आई थी, मैं निकल ही। आपका फोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ थी कहाँ? हाँ वो मेरी फ्रेंड आगरा से आई थी तो उसी से मिलने गई थी, पिंकी नाम है उसका। और मेरा फोन जो है बैटरी चली गई थी इसलिए तुझे बता नहीं पाई थी। अच्छा ठीक है, फिर यही बात अब पेट से हाथ हटा कर बोलिए तो जरा। क्या संतु जी, पूरा लखनऊ शहर जानता है कि जब कभी आप झूठ बोलती है ना तो ऐसे पेट पे ऐसे हाथ रखती है। क्या छुपा रही है हमसे संतु जी, बोलिए ना, कहे झूठ बोल रही है आप? तुमसे क्या हुआ था बताइए। कुछ नहीं हुआ है, ठीक है छोड़ ना, मैं जा रही हूँ। संतु जी, संतु जी मतलब दोस्त मानती है ना आप हमको, ये भी जानती होंगी कि दोस्ती में झूठ का कोई जगह नहीं होता है। संतु जी देखिए, संतु जी हम आपको ये भरोसा तो नहीं दिला सकते कि आपका जो दिक्कत है, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बात का यकीन जरूर दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े जरूर रहेंगे। संतु जी बताइए हमको क्या हुआ है, कहाँ इतना परेशान लग रही हैं, बोलिए। तो प्रॉब्लम ये है कि मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा, पर इस परेशानी से मैं बाहर नहीं निकल पाई थी। हमको एक बार बताई होती, इतना बड़ा मुश्किल का बोझ अपने कंधा पर लिए घूम रही हैं आप तब से। हम साथ में रहते हैं ना आपके, मदद करते हैं आपका सॉल्व करने के लिए। आई आई आइए हमारे साथ, आई आई। चीते मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर किसी को कुछ भी पता चल गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। संतु जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्यों डर रही हैं आप? कौन है यहाँ पर हम दोनों के अलावा? हम लोग ढूंढ लेंगे उसको, और आखिर में ढूंढना तो है ना उस चीज को, है? आइए हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं, आप ढूंढिए उधर। मैडम सर ने कहाँ रखा होगा? क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों इस वक्त हमारे केबिन में कर क्या रहे हैं? क्या ढूंढ रहे थे? हमें आप दोनों से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूं, लेकिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है मैंने। जानबूझकर? संतोष शर्मा अब हम आपको असलियत बताते हैं। नहीं मैडम, मैडम मैडम इससे पहले आप कुछ भी इससे कुछ गलत समझे ना, हम सच में बता दे रहे हैं कि पिछले साल ना मैडम सर को ना ऑफिसर ऑफ द लखनऊ का अवार्ड मिला था, उसी के लिए उनको एक मेडल मिला था, और वही मेडल ना संतु जी से खो गया है, इसीलिए इतना ज्यादा परेशान है। मैडम सर के जाने के बाद करिश्मा मैडम ने ये काम मुझे दिया था कि मैडम सर का जितना भी सामान है सब मैं अच्छे से पैक करके उनके घर पे छोड़ दूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं लिस्ट बनाऊँ, और फिर जब मैंने चेक किया तो वो मेडल ही गायब था, वो मुझे मिला ही नहीं। संतु जी के दूर का भाई जो पुलिस है उसको मदद के लिए बुलाई, वो भी बेचारा खोजा, ये भी खोजी, फिर भी नहीं मिला, और इनको इसी बात का डर था कि अगर ये बात बाहर आ गया उनका नौकरी चला जाएगा। तो ये बात थी, हमें लग रहा था कि संतोष शर्मा हार्ड डिस्क के पीछे है और हम पर हुए हमले में उन गुंडों के साथ थी। बस इतनी सी बात थी? या खुदा, हम तो डर ही गए थे। इधर तो कोई हैच नहीं, पालू फालतू में मैं हसीना भर के खुदा बदा सब बोल के। अरे मेरे को क्या लगा मालूम कि
ये तुम लोग, ये जो मेरा पर्स है ना, इसमें से पैसा बटाने को है। क्या? ये पर्स इसमें मैं ऐसा रोकड़ा रखती है ना, तो मेरे को लगा तुम लोग वो हाथ साफ करने को आए उस पर। ऐसा चोर समझ रही है हम लोग को ये? अरे नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेने का। चलो चलो अभी ढूंढते वो तुम लोग का वो क्या था रे, वो मेडल 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 खोजते हैं हम लोग उसको। हाँ हाँ खोजते खोजते। मेडल मिल गया। सच सच ही हसीना का मेडल मिला किसको? और मिला को ये तो। मुझे माफ कर देना मैडम सर, आइंदा आपकी हर याद को अपनी जान से लगा के रखूंगी मैं। आई एम सॉरी मैडम सर, आई लव यू, आई मिस यू। इससे एक बात तो तय है कि संतोष और चीता ना तो हार्ड डिस्क के पीछे थे और ना ही हम पर हुए हमले में शामिल। अरे तुम्हारी हसीना मैडम बहुत लकी थी रे, जो उसको तुम लोग के जैसा प्यार करने वाले लोग मिले। पता है उमरिला जी, असल मायने में भाग्यशाली ना हम लोग हैं कि हम लोग को अपना पूरा जिंदगी में थोड़ा सा भी वक्त हसीना मैडम जैसा शख्सियत के साथ बिताने का मौका मिला। हमको ना अभी भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि हसीना मैडम जा चुकी है। उनके आस पास होने का एहसास लगा रहता है कि मैडम सर यहीं पास में है, हम लोग को देख सकती हैं, हम लोग से बतिया सकती हैं, इसे इसे हाथ पकड़ के छू सकती हैं हम लोग को। लगता ही नहीं कि गई हूँ, लगता है कि क्या। छोड़िए आप बताइए कि कलेवा वाला केस पर कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, आप कुछ आइडिया निकाली कि नहीं मैडम? हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं मेरे को क्या, वो चटक चांद नहीं बोली मेरे को कि वो ये केस अभी अपने तरीके से हैंडल करेगी, तो मैं बोला कर। करिश्मा मैडम ने ऐसा बोला? हाँ, सब जानते हैं वो कैसे सॉल्व करती है, वो मैडम सर की तरह सोचती ही नहीं है। करिश्मा सिंह ये केस बिल्कुल हसीना मलिक की तरह ही सॉल्व करेंगी। ओ देख, तटक चांदी अपना इंतजार कर रही है। अरे मैं ये पर्स लेने को आई थी ना। वेरी गुड वेरी गुड, चल फिर तेरे को रास्ते में घर फेंक देते। फेंक? छोड़, घर छोड़ दे। ए, ये तेरा नाइट ड्यूटी है ना? हाँ? मैं रखूँ क्या तेरे साथ? घर चलते हैं। नहीं नहीं, इनको रास्ते में फेंकने का आइडिया ठीक है। आप चलिए चलिए। अमन नहीं मिली आपकी जाने मन। जब आपकी जाने मन मिल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। क्या हो गया मैडम, आप ठीक तो है ना? मतलब इतना ज्यादा परेशान लग रही हैं आप। किसी ने एकदम सही बात कहा है चीते, बांस के पेड़ पे आप वर्षा ऋतु का जल डाल दो या तिल मिलाती हुई धूप डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम है वो भावहीन और बुद्धिहीन पेड़ जिसमें आज तक मैडम सर का जज्बात घुस नहीं पाया। हमें पहुंचना उसकी सांस तक और उसका हृदय परिवर्तन करना उसकी सांस का। समझ नहीं आ रहा लेकिन कैसे करें। नहीं, जो इंसान आज तक अपनी पर्सनल सास का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया वो तो दूसरे की सास का हृदय परिवर्तन कैसे कर पाएगा? इसमें तो असंभव बातें। का मतलब है तुम्हारा? नहीं पुष्पा जी, रोज आपके टिफिन से कुछ ना कुछ चुरा कर खा जाती हैं, आज तक आप रोक पाए का उनको? नहीं ना, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने सास का सूद लीजिए। एक नंबर की चटोरी है हमारी सासू माँ, वो नहीं सुधरने वाली है, बावली हो जाती है टिफिन का खुशबू सूंघ के। वो हमें कागज में भी लिख के दे देंगे ना चीते कि आज के बाद हम आपका टिफिन चुरा कर नहीं खाएंगे, हम तब भी नहीं माँ। माँ टिफिन लेके आओ। अब ये करेगा बवाल, अब पुष्पा जी कभी भी हमारा टिफिन चुरा के नहीं खाएंगे, देखना।
आज तो बहुत थक गए, भूख भी लगी है, अब क्या? टिफिन की खुशबू, करिश्मा जी का टिफिन। देख लेते चुड़ैल क्या लेकर आई है टिफिन में। गुजिया, गुजिया। मायके से कलेवा आया है। मैडम चलिए, मैडम आपका मरने का इंतजार कर रही है उनके। चलिए चलिए मैडम। पुष्पा जी क्या हो गया आपको? बाप रे, देख ली ना कलेवा चोरी का अंजाम लग गया बहू का अभिशाप आपको। क्या हो गया पुष्पा? हम पानी लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं। मुड़िए पीका, मैडम सिक्सर मार दी क्या? मारना चाहती थी हमें? हाँ, मतलब चिट्ठी में सब लिखा है, पढ़ी उसको। हम जानते हैं कि आप ही हो जो रोज हमारा टिफिन जोर से पढ़िए। पढ़ रहे हैं ना? जो हमारे टिफिन का खाना चुरा कर खा जाती है, और हम जानते हैं ऐसा क्यों है। अब आपको तो डॉक्टर ने तेल चखने से मना किया है। हाँ, इसीलिए हमने अपने टिफिन में आपकी पसंद की चीजें बनाकर रखना शुरू कर दिया है, वो भी शुगर फ्री और ऑयल फ्री, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। एक बात बोले, आप बड़ी है, मालकिन है घर की, आदेश दीजिए हमको जो भी खाना है, जो आप कहेंगे वो टिफिन में भर के रखेंगे। आपको पता नहीं मगर हम तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, और बेस्ट फ्रेंड से कैसे चोरी। हमें माफ कर दीजिए, आइंदा से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके टिफिन पर अपना हाथ बिल्कुल साफ नहीं करेंगे। पक्का? पक्का पक्का। पर एक बात का एकदम पूरा संतुष्टि है कि करिश्मा मैडम ना हसीना मैडम का सारा ट्रिक सीख गई। लेकिन नहीं नहीं मगर ये अगर आपका ट्रिक है तो ये तो गुजिया हमने आपके सामने खाई, इसलिए हम पकड़े गए ना। समझो, अगर ये गुजिया हम कहीं और जाके बैठ के खाते तो आपको थोड़ी ना पता चलता। पॉइंट है ले। तो फिर कैसे होगा किशोरी जी का हृदय परिवर्तन? मच्छी मार्केट बना रखा है, और तुम्हारा दिमाग बोरा गया क्या? टोपा गई हो क्या? मतलब ऐसा आपको मैडम सर, इनको इन टोपा लोगों को बोलना चाहिए टोपा गए हो क्या, जो छीछा लेतर मचाया हुआ इन लोगों ने, वो भी एसएचओ हसीना मैडम के सामने। ए, इन लोग ने पहले लड़ा झगड़ा शुरू किया, इन लोग ने पहले। आप शांत हो जाइए। अरे मैडम सर, क्या हो गया? नहीं मतलब यहाँ क्या हुआ है, हम पूछ रहे हैं यहाँ क्या हुआ है वो बताओ हमको पहले। अरे मैडम सर बोल रही थी कि औरत जो है किससे कम नहीं है, हमने मान लिया, फिर भी उकसाती रही है। अरे उकसाती रही है? हाँ यही। और मैडम सर बोलिए, बोले कोई भी मर्द सबको हरा देंगे, बस पंजा लड़ने लग गई है। और जब इन्होंने पंजा लड़ाया तो हार गई, फिर बोले बेईमानी से हराया। अरे खुद कमजोर है, दोस्त हम पे जमा रही है। मैडम सर, रिसर्च के हिसाब से होती हैं कुछ औरतें कमजोर, क्योंकि बचपन से ही उनके खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके पालन पोषण पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हम ना आपके बात में कुछ जोड़ना चाहेंगे संतु जी। हट इधर आओ संतु जी। सब जितना कुछ आप बताए ना, ये सब नया नहीं है, ये सब तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। सच में हमारे यहाँ की माए आज भी अपने बेटा सबको ना परात में इसे खाना सजा के उसके सामने लेकर जाती है, और वही उनकी अगर बेटी ठीक ठाक खाना खाए ना तो दिन भर उसको कोसती रहती है कि देखो कैसी लड़की है, दिन भर चबर चबर करती रहती है, खाएगी मोटी हो जाएगी, फिर शादी नहीं होगा।
और ये सारा खरी खोटी ये सब ताना लड़की की माँ उसको इतना बार देती है ना कि एक वक्त के बाद लड़की खुद से ही मान लेती है कि ज्यादा खाना खाना पाप है। इसका मतलब ये है कि वृंदा की सास भी इन्हीं सब परिस्थितियों से ही गुजरी होंगी, उन्होंने भी यही सब झेला होगा। और मैडम सर, आपने हमें क्या बताया था, वो वृंदा की जो ननद है, क्या नाम है उसका, शीला, शीला के घर में भी कुछ ऐसा ही होता है। उसकी माँ जो है किशोरी, वो उसको ठीक से खाने पीने नहीं देती है और रात को जो है वो घर का खाना ज्यादा खा नहीं पाती, क्योंकि पहले लड़का खाना खाता है, फिर जो बचा कुचा होता है वो पूरा पड़ता नहीं है। ये सब कुछ बताया था ना आपने? हाँ, वैसे कुछ बोली तो थी। तो मिल गया हमको युक्ति। इस झगड़ा में ना बहुत कुछ सोच गया हमको, हमको फटाक से वृंदा के घर पे जाना है और इस मामले को जड़ से खत्म करना है। हमें खुशी है कि आखिरकार हम आपको वो समझाने में कामयाब रहे जो हम समझाना चाहते थे। आप बिल्कुल सही जा रही हैं करिश्मा सिंह, ये केस सही राह पर है। चलिए तुमको दिखाते हैं कि जब मैडम सर का सोच काम करता है ना तो कैसे सब कुछ बदल जाता है, मैजिक हो जाता है। चलिए चलिए पुष्पा जी, चलिए चलिए चलो। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैंने बुलाया है। देखिए ना माजी, मेरा कलेवा फिर से चोरी हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं भाभी? यहाँ से आपका कलेवा कौन चोरी कर सकता है? ये शीला, शीला ने चुराया है मेरा कलेवा। ये आप क्या कह रही है भाभी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं चुराया आपका कलेवा, सच्ची। शीला की जवानी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, नाटक करके पब्लिक सब सच जानती है। कलेजे में मिर्ची मिलाई थी। कलेवे में? वेरी गुड। तो मिर्ची खा के रात भर कौन हिचकिचाता रहा? तू ही ना, सबने सुना। तो फिर कलेजा चोर कौन हुआ? चला आता, चला। नहीं नहीं, कलेवा चोर वो नहीं, मैं हूँ। किशोरी, अपने ही घर में चोरी, वो भी खाने की, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन्हें कुछ भी कहने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप इस सब के जिम्मेदार है आप, और पुरुष प्रधान का ये सोच कि लड़का जो होता है वो कुलदीपक होता है और लड़की जो होती है वो घर का अंधेरा होता है, ये जो आपकी दकियानूसी सोच है ना मर्दों की, कि पहले जो है घर में मर्द खाना खाएंगे फिर औरत खाना खाएंगी, औरत के लिए भले ही खाना बचे या ना बचे, वो खाली पेट सो रही है या भर पेट सो रही है, इससे आप लोगों को कोई मतलब भी नहीं होता है। फिर शीला और शीला जैसी हजारों लड़कियां ऐसे मर मर के जीती है। फिर वो ससुराल जब जाती है तो फिर खाना चुराती है, या फिर जब सास बन जाती है तो बहू का कलेवा चुराती है। क्या करेंगी वो, जिंदगी भर वो ऐसी मर मर के जिए, खाली पेट सोई है, तो कहीं तो भड़ास निकालेंगी ना अपनी, तो भड़ास ऐसे निकलती है। समझ रहे हमारी बात को आप? बड़ी आसानी से भूल जाते हैं लोग कि एक औरत का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, क्योंकि वो पूरे घर को संभालती है, अपनी जिंदगी से किसी और को जिंदगी देती है, इस पूरे वंश को आगे बढ़ाती है। तो घर के लेडीज लोग हेल्दी रहेंगे तभी तो घर हेल्दी रहेगा ना, इसलिए अपने घर के बेटों की तरह ही अपनी बेटियों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक औरत का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, और तब जाकर शायद एक दिन कभी भी किसी भी घर का कलेवा चोरी नहीं होगा। आप सही कह रही है, जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया था आज वही मैं अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ। अपने ही घर में मैं चोर बन गई हूँ, कल को वो भी सास बनेगी और वो भी वही करेगी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, माफी हमें मांगनी चाहिए। मैडम ठीक कह रही हैं, हम अपनी बेटियों को जैसा पालेंगे आगे वो समाज को वैसा ही तो देंगी ना। आज से हम सब मिल बैठकर एक साथ खाना खाएंगे और कोई भी किसी के लिए भूखा नहीं रहेगा। चलो इसी खुशी में मुंह मीठा करते हैं। जी चलिए, मैं लेके आती हूँ पापा। नहीं, आज तुम लोग बैठो, आज हम लोग लेके आते हैं। हाँ चलिए बाबा। Thank you.
बहुत 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 बढ़िया खीर थी, अब आप लोग हमें इजाजत दीजिए, चले। थैंक्स मैम। आपके और आपकी पूरी टीम के लिए मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ये तो बनता है।